अगले कॉलर है हमारे साथ, बात कर लेते हैं। हरियाणा से है निर्मला जी, स्वागत है आपका। हाँ जी नमस्कार मैम। जी नमस्कार मैम। नमस्कार भाई साहब सुलेमान जी। जय हिंद, स्वागत है हमारी बहन का। सर मेरा आपसे एक प्रश्न है सर। जी मेरा लड़का है सर, उसकी उम्र 14 साल है सर। उसको ना आधे सर में दर्द रहता है और आंखें भारी भारी पन रहता है आंखों में। ठीक है। और सर एक प्रश्न मेरा है, जो मेरे को ना पित्त ज्यादा बनता है सर। जैसे मैं खाना खाती हूँ तो मेरे को ना खट्टी डकार आती है और खाना हजम नहीं होता है सर। ठीक है। अच्छा देखिए, बच्चे को अगर नज़ला वगैरह रहता है और नज़ला हुआ, खांसी हुई, बलगम हुआ और उसने कोई दवा ले ली एंटी एलर्जिक, तो वो सब कुछ सुखा देती है, नसों में बलगम को सुखा देती है। तो अगर ऐसा होता है तो बलगम निकालने की दवाएं, कफ निकालने की दवाएं डॉक्टर से लें अपने, जिससे आप इलाज कराते हैं, तो वो निकलते ही आपका बच्चा तंदुरुस्त हो सकता है। और इनका सवाल, पित्त ज़्यादा बनता है एसिडिटी कब्ज, तो देखिए बहुत अच्छा नुस्खा है, सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी, मेथी का दाना। एक बार और बोलता हूँ, आप लिख लें, सौंफ 100 ग्राम, सौंठ 100 ग्राम, सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन 100 ग्राम और धनिया और मेथी का दाना 100 ग्राम। इन सबको पाउडर बना के घर में रखा करिए, किसी को भी आधी रात को ज़रूरत पड़े तो बड़ा काम आता है। और एक आता है नमक जैतून, ये नमक अलग टाइप का नमक है, देखने में नमक जैसा लेकिन स्वाद में नमकीन नहीं होता। एक चुटकी नमक जैतून 2 गिलास पानी में मिलाना और इस पानी से आप ये जो 6 चीज़ों का पाउडर बनाया है इसको खाकर पानी पी लें बस दिन में एक बार। बहुत ही ज़्यादा रोग है तो 2 बार भी ले सकते हैं, वैसे एक ही बार में बहुत फ़ायदा शुरू हो जाता है, आप इस तरह इस्तेमाल करें, फ़ायदा उठाएं।